अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। दिस इज़ योर जनरल साइंस लेक्चर। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ न्यूक्लियर फ्यूल हैज़र्ड्स, मींस न्यूक्लियर फ्यूल से लाहक जो खतरात हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एडवांस कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। एडवांस कंट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करवाई जाती है बाय द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। The possibility of leakage of the radiation during the use of nuclear energy cannot be denied. Nuclear energy के इस्तेमाल के दौरान radiations के leak होने की जो possibility है उसको deny नहीं किया जा सकता। Radiation means the emission of alpha, beta and gamma rays from some element called the radioactive elements. वो elements जिनसे radiations release होती हैं इन्हें radioactive elements बोलते हैं। The fuel of nuclear reactors is radioactive. The danger of radiation leakage is always there while storing, handling and using such fuel. The people who are working around reactors are always in danger. तो वो लोग जो reactors के पास काम करते हैं उनके लिए ये खतरा हमेशा मौजूद रहता है। Radiation has the capability to change the structure of cell, tissues and genes. Radiation जो है वो cell के structure को change करने की capability रखती हैं, टिश्यूज और जीन्स को इफेक्ट करती हैं। दिस कैन कॉज स्किन डिजीजेस एंड कैंसर। इवन अ स्मॉल एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कुड बी वेरी डिजास्ट्रस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के पास एक छोटा सा हादसा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इन 1986 द कूलिंग सिस्टम ऑफ अ रिएक्टर इन चेर्नोबिल रशिया फेल्ड। 1986 के अंदर रशिया के अंदर रिएक्टर के अंदर मौजूद एक कूलिंग सिस्टम जो था वो वर्क करना स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से रूफ ऑफ द रिएक्टर ब्लू अप विद अ ब्लास्ट इन फ्यू मिनट्स एंड रेडियोएक्टिव गैस क्लाउड स्प्रेड ऑल ओवर। और रेडियोएक्टिव गैस के जो क्लाउड्स थे वो हर तरफ फैल गए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दैट एक्सीडेंट। लेटर ऑन मैनी पीपल डाइड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। द यूज न्यूक्लियर फ्यूल डज ऑल्सो मीट सम रेडिएशन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट। The disposal of nuclear waste is very necessary for safety against radiation. तो इस nuclear waste को अच्छे तरीके से dispose किया जाए। Different ways are adopted for this purpose. और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। These methods include dumping of nuclear waste in the tunnels deep under the earth. या तो इस nuclear waste को ज़मीन के अंदर खुदाई करके dump कर दिया जाए and store it in sealed containers at the bottom of the sea. But no method is considered to be completely safe. One suggestion is that such material should be stored after fusing it into glass blocks. Another suggestion is that nuclear waste to be filled in rockets and sent to the space. और एक और suggestion ये है कि nuclear waste को rockets के अंदर fill किया जाए और इन rockets को space के अंदर भेज दिया जाए, यहाँ पर दूसरे planets की तरफ, और sent towards the sun, यहाँ पर sun की तरफ। But it is feared that rockets may explode in the earth's atmosphere. लेकिन इस चीज़ का भी खतरा रहता है कि rockets जो हैं वो earth की atmosphere के अंदर ही explode हो सकते हैं और दे में कम बैक टू द अर्थ, और वो अर्थ की तरफ वापस भी आ सकते हैं। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स ऑफ रेडिएशन इट इज़ नेसेसरी डैट द वर्कर्स शुड कीप अवे फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो वो वर्कर्स जो इन प्लांट्स के पास काम करते हैं उन्हें चाहिए कि वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज से दूर रहते हुए काम करें। सच सोर्सेज शुड बी कैप्ट इन लेड कंटेनर्स ऑफ थिक वॉल्स बिकॉज लेड डज नॉट अलाउ रेडिएशन टू पास थ्रू इट। थिक कंक्रीट वॉल्स शुड बी बिल्ट अराउंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के इर्द गिर्द थिक कंक्रीट वॉल बिल्ट करनी चाहिए। एंड द न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ वेरी सेफली। और न्यूक्लियर वेस्ट को बहुत सेफली डिस्पोज करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टूडेज लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे एंड देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।